वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब की जो हमारी डिस्कशन होने वाली है करण सिनेरियो पर ही बात करेंगे आज, जिनके हवाले से जो भी सिनेरियो है जिसमें इंडिया की जानिब से जो भी जंग के हवाले से पेशरफ की गई उस पे पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तान का सरप्राइज किस हद तक मौसर रहा, किस हद तक एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करने में पाकिस्तान ने इसमें बहुत ज्यादा कहले एक एफर्ट भी की, उस पर हम बात करेंगे। उस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर जनरल सैयद गजनफर अली साहब ने। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और उसके साथ साथ एयर वाइस मार्शल फारूक उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। सर आगाज करेंगे करंट सिनेरियो पर, क्या कहेंगे इंडिया की जानिब से? हमेशा इस तरह का कोई ना कोई एक्ट किया जाता है और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स हमेशा से बहुत ही एक मुंह तोड़ रिस्पॉन्स है और रहेगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे जी? मैं ये कहूँगा कि इंडिया में इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, द लीडरशिप जो है, दे आर ऑल एमिंग फॉर इलेक्शंस एंड वोट गेटिंग, एंड उनका जो वोट गेटिंग का निशे है ना, दैट इज एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट, सो दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट। एंड दस वी शुड एक्सपेक्ट कि ये बाज नहीं आएंगे, और इनको ये बड़ा अच्छा आज यस्टरडे हमें मौका मिला कि हम उन्हें इन द फील्ड सिखाएं, उनको मार के सिखाएं, प्यार से इन्होंने कुछ नहीं करना। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ 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 पीछे ये मार खाते रहे हैं हमारे से, लेकिन बाज नहीं आए, बाज नहीं आए। और कल भी यही एक्ट हुआ जिसका जवाब बहुत अच्छा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, आर्मी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एक कोऑर्डिनेशन, एक कोलैबोरेशन, एक जॉइंट स्टांस जो है वो दिखाया, और हम उसके ऊपर अपने ऊपर आर्स एंड आर्स बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इंटरनेशनल प्रेस से रिलेट करना चाहूँगा, क्योंकि वो जो कहते हैं वो हमें बाय कर, एक है एंड्रियो कॉर्बोव, अमेरिका मास्को बेस्ड पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, और वो खास तौर पे ये हाइब्रिड वॉर, सी पैक वॉर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखते हैं। और कल का जो उनका यूरो एशिया में जो उनका आर्टिकल छपा है उसमें जो उसकी हेडिंग है वो गौर करने वाली है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टर्न्स इंडिया सर्जिकल बॉलीवुड फ्लेक इनटू रियलिटी। ओह माय गॉडनेस, दैट इज अ बिग हेडलाइन। तो अब आप देख लीजिए कि फिर मैं रिपीट करूंगा आपके ऑडियंस कि पाकिस्तान टर्न्स इंडियन बॉलीवुड सर्जिकल स्ट्राइक्स फ्लिक इनटू रियलिटी। ओह माय गॉडनेस, दैट वाज अ बिग शेम फॉर देम। तो अब आप देख लीजिए कि दुनिया, वो कह दुनिया किस तरह इस चीज को चैनल कर रही है, बिल्कुल मजाक बना है। एक मैं इंडियन चूंकि मीडिया वॉच करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ एनालिस, वहां पे एक बीजेपी की एक लीडर थी, उनके नाम, उनसे वो जो एंकर है वो सवाल करता है कि जी अंदरून, ये उसका लिटरल सवाल है कि अंदरून खाना आवाजें उठ रही हैं कि वो जो 300 जैश के लोग मारे थे उसमें से एक की तो बॉडी दिखा दे, पाकिस्तान ने तो एक पायलट पकड़ा था उसको, उसने पेश कर दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो खुद ही कह चुका है कि मैं पाकिस्तान आर्मी से और पाकिस्तान से बड़ा इंप्रेस हुआ, इंडियन आर्मी शुड लर्न फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी। तो अब बात यह है कि दुख इस बात का है इस टाइम फ्रेम वक्त में जो मॉडर्न वॉर, मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, कि अब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया कहता है कि जी आपकी मिलिट्री डिक्टेट करती है, ये कि वो खुद क्लेम करते हैं कि दे आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। चलो जी मान लिया यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, मान लेते हैं, वी एक्सेप्ट यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। अगर बिगेस्ट डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर, और डेमोक्रेसी में एक लीडरशिप जो होती है वो अपने अवाम का, अपने सब्जेक्ट्स का इंटरेस्ट लुक आफ्टर करती है। वो इंटरेस्ट माशियात से भी रिलेटेड होता है, वो वेलबींग से भी रिलेटेड होता है, वो सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। लेकिन अगर आपकी जो लीडरशिप, जो जिस तरह इंडिया में इस तरफ गुंडा किस्म की लीडरशिप बैठी हुई है, क्योंकि ये जानिएगा और पाकिस्तान के लोगों को अब ये पता चल गया है कि इंडियन इस खत्ते में सबसे पहला दहशतगर्दी का वाकया किसने किया था, सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया इंडिया में हुआ था जब इंडिया की अपनी पार्टी आरएसएस, जिसका आज मूजी मेंबर है, उसने उस शख्स को जिसको वो अपना बाप कहते हैं उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी, गांधी को, अभी उसकी तस्वीरें लगा के पीछे बैठे थे। तो सबसे बड़े हिपोक्रेसी तो यहाँ आ गई ना जमहूरियत की। अब उससे अब आगे चले, उसी डेमोक्रेसी में सिखों ने इंदिरा गांधी को खड़का दिया। उसी डेमोक्रेसी में राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, यानी वो श्रीलंका में गया तो पीछे से एक सेलर ने उठा के उसको राइफल मारी। ये डेमोक्रेसी है।
अगर ये आरएसएस इस वक्त जो इंडिया में लीडरशिप है वो साइकोपैथ गुंडा बदमाश किस्म की लीडरशिप है और नरेंद्र मोदी के जहन में दहशतगर्दी का खन्नास भरा हुआ है। अब उस दहशतगर्दी जो है इस वक्त ओवरकम कर रही है डेमोक्रेसी को, यानी वो अपने ही लोगों का, पहले तो चले जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन पाकिस्तान के अंदर दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे थे, एक प्रिंस सलमान विजिट कर रहे थे, दूसरा एक बहुत बड़ा एफएटीएफ का इजलास हो रहा था पेरिस में, जहां पाकिस्तान ने टेरर पाकिस्तान ने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशंस करनी थी। अब जब वहां पे उन्होंने एक जैश का नक्शा लगा के एक वीडियो रिलीज की, तो चूंकि मेरा कजन वॉज पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन जो वहां पे गया था, तो ही रैंग मी अप, इसने कहा, उसने कहा भाई ये क्या हो गया, मैं क्या हो, कहते जी वो वहां पे क्योंकि वीडियो आई है तो जो अरब जो लोग मेंबर्स हैं उनको तो नहीं पता, वो कहते भाई ये क्या है, ये तो जैश वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, और आपने देखा उसका रिजल्ट क्या हो गया, उन्होंने प्रोस्क्राइब्ड एलिमेंट्स का इस दफा एफएटीएफ में नाम लिया कि इनको बैन करे, तो वो तो हमें नुकसान हो गया, चलो वो गुजर गया माजी। आज आप सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए मोदी, पहले तो हम मुख्तलिफ टेंजेंट पे बात करते हैं ना, अब आज अपना इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए उस शख्स ने पूरी अपनी पोलाइटी को, पूरी अपनी जमहूरियत को, पूरी अपनी सबको खतरे में डाल दिया, बिकॉज ही वांट्स टू विन एन इलेक्शन। और इलेक्शन के लिए जो स्टांस इधर इंडिया की जानिब से अपनाया गया उमर फारूक साहब, उससे बहुत ज्यादा नुकसान दोनों नेशंस को होगा। कल स्टेटमेंट भी आई DGISPR की जानिब से भी कि जंग होती है तो कोई हारता जीतता नहीं है बल्कि इंसानियत की हार होती है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की भी यही स्टेटमेंट आई कि हम वॉर नहीं चाहते, हम सुकून चाहते हैं, अम चाहते हैं, और अम का पैगाम हमारे साथ आए, टेबल टॉक करें, मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान वांट्स अमन, नो डाउट, पाकिस्तान शुरू से ही अमन चाहता है, लेकिन जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है आरएसएस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया दे डिड नॉट वांट अस टू ग्रो टू सर्वाइव, दे थॉट के जी ये तो खत्म हो जाएंगे, खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे, एंड दे डिनाइड अस द फाइनेंसेस, द मनी, द इक्विपमेंट, वो हमें फिर बड़ी देर के बाद मिला, बट पाकिस्तान सर्वाइव्ड। और उसके बाद जहां जहां भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है इट इज इंडिया, इंडियन रॉ, एंड इन फ्यूचर जहां पे भी पहुंचेगा आई कैन बेट यू कि इनका हाथ बीच में होगा। अगर मैं गिनने लगूं तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा, पहले की वॉर्स में भी देखा जाए तो हमेशा पहल जो है इंडिया की जानिब से की जाती है और जिसका जवाब मुंह तौर तरीके से दिया जाता है उस पर तो कोई दूसरी राय है ही नहीं, पाक आर्मी हो, एयरफोर्स हो, हर कोई एक फोरम पे रहते हैं, और इस बार भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, इवन इंडिया वाज इट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का इनको जवाब मिलेगा कि इनके जो तैयारे हैं वो गन डाउन किए जाएंगे। ये जो स्टांस है ये पहले भी पाकिस्तानी फौज का, एयरफोर्स का रहा है आपके टाइम पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 1965 जून में दे स्टार्टेड ऑफ इन बियार बेट द इंडस डेल्टा, जो विलेज है वहाँ पे, इन्होंने क्लेम किया कि जी ये हमारा है, पाकिस्तान ने कहा नहीं भी ये आपका नहीं है ये हमारा है। सो अल्टीमेटली द टू साइड्स फॉट एंड आई वाज पार्ट ऑफ देम एंड वी केप्ट इंडियन एयरफोर्स अवे फ्रॉम आर आर्मी एंड दस पाकिस्तान आर्मी वन एंड वी गॉट बियारबेट बैक। तो इन्होंने लेसन नहीं उसे सीखा। उसके बाद फिर हमें सरगोदा वापस बुला लिया गया, आई वॉज इन स्टार फाइटर F-104, स्टार फाइटर्स को देख के इनकी जान जाती थी, आई विल टॉक ऑफ दैट सेपरेटली। तो फ्रॉम देयर देन केम अखनूर रोड टू श्रीनगर वेयर वी वर वेरी क्लोज बाय जनरल अख्तर अली मलिक वॉज द कमांडर एंड ही नियरली रीच देयर और उनको फिर एयर मार्शल नूर खान ने सरफराज रफीकी और भट्टी के थ्रू नॉकआउट करवाया, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड हियर। वो चार जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स ने मारे एंड उधर भी इन्होंने हार नहीं मानी, they insisted and they opened up at Wagha to distract us. यानी ये ऐसी चीज है, ऐसी खसलत है इनकी। आज तो आपकी बात को काटते हुए जो एयरफोर्स की बात हो रही है, मैं कहूँगा आज जो अच्छी बात हुई है जिसको मैं व्यू करूँ वो ये है कि जब आप कोई वेपन डेवलप करते हैं, जब आप कोई एयरक्राफ्ट डेवलप करते हैं, जब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो नॉर्मली आप उनके जो है डेमो रश करते हैं या आप उनके
जो थ्योरेटिकल रशेज होते हैं वो लेते हैं। अब पाकिस्तान ने जो है जो JF-17 थंडर डेवलप किया है वो उसने लेबोरेटरी टेस्टेड तो था, वो एयर टेस्टेड था, अब उसको ऑपरेशनली टेस्ट करना था। जी हाँ, तो इंडियन प्रोवाइडेड यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट इट ऑपरेशनली, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने पायलट की हम अपने JF-17 थर्ड, तो आज चाइनीज भी बड़े खुश होंगे। मतलब ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं ना सर, कि चूंकि पाकिस्तान ने उसकी एवियोनिक्स पाकिस्तान ने की है, चाइना के साथ मिलकर डेवलप किया है, तो आपने उसका जो जिसको रेंज टेस्ट कहते हैं कि रेंज पे जाके आपने फायरिंग की अब मॉक टारगेट के ऊपर, वो तो पाकिस्तान और चाइना कर चुके थे, लेकिन उसकी एक्चुअल टेस्टिंग जो होती तो थैंक्स इंडिया, इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि उसने पाकिस्तान को वो प्रैक्टिकल वो प्रोवाइड किया फील्ड जहां हमने अपने एक्चुअली उसको टेस्ट कर लिया कि क्या मिसाइल और एयरक्राफ्ट मैनूवर कर सकते हैं नहीं कर सकते। एक बड़ा मुश्किल काम, जो बड़ा मुश्किल होता नहीं है, जो होता नहीं है एक्चुअली, जो होता है क्योंकि अमेरिकन वॉर्स क्रिएट करते हैं। अमेरिकन जब कोई टेक्नोलॉजी, जो ये अरब इसराइल, ये जो सीरियन वॉर या इराक वॉर ये क्यों हो रही है, या जैसे इसराइल जो है वो पैलेस्टीनियंस पे क्यों फायर करता है कि नहीं, जो भी जैसे उन्होंने अभी पिछले दिनों फायर किया, फायर था वो मिसाइल टारगेट वेपन पे, आपसे 4 साल पहले उन्होंने अपना पैलेस्टाइन में फायर किया था कि जब जाके गिरेगा अगर उसमें 100 घर भी है तो इट इज अ प्रिसीजन म्यूनिशन जो उस घर को इफेक्ट करेगा, उसकी वो रेंज टेस्ट करना चाहते थे। जी हाँ, तो उन्होंने वो प्रैक्टिकल, तो हमारे पास ऐसा कोई चांस आ नहीं रहा था, तो आज अलम थैंक्स इंडिया दे प्रोवाइडेड अस अ चांस, वी टेस्टेड आवर JF-17 थंडर। ये तो बड़े कमाल वैसे ऑब्जर्वेशन है सर की, हमारी वो जो टेस्टिंग थी वो भी हो गई और जवाब भी मिल गया। नॉट जस्ट दैट, दे विल बी शॉक्ड टू फाइंड आउट दैट JF-17 की वर्ल्ड वाइड मार्केट अब उसकी मार्केट बढ़ेगी जी, जब एक्सपो में जब आप लगाएंगे अगली दफा, बल्कि अभी ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, पिछली दफा भी एक्सपो में काफी ऑर्डर आए हैं पाकिस्तान को, जबकि इन द पास्ट जो भी वॉर होती है उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी का हाथ होता है, ताकि वो बहुत ज्यादा बिक सके, बहुत ज्यादा उनकी इंडस्ट्री पन पे बड़ी हो। इस दफा इत्तेफाक से ये है कि दुनिया को दिखा दिया हाथ में आ गया, दुनिया को दिखा दिया, तो वो मार्केटिंग भी हो गई है JF-17। चले जी, और फिर इंडिया ने क्लेम किया कि जनाब हमने उनका F-16 तैयार किया, जिसके बाद DGISPR की स्टेटमेंट भी आ गई कि जनाब हमने तो इस पूरे ऑपरेशन में, इस पूरे मिशन में F-16 यूज ही नहीं किया, और जो तैयार है उनका जी पाकिस्तान की रेंज में आके गिरा, और वहां पर जो मकामी लोग हैं वो कहते हैं हमने यही तैयार देखा जो गिरा, और एक इंडियन हदूद में गिरा और एक पाकिस्तानी हदूद में गया। अंदर से भी आवाजें आ रही हैं, जैसे सर ने अभी कहा गजेंद्र साहब ने, कि लोग वहां पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का आप लोगों ने 300 बंदा या 350 बंदा आपने उनको डैमेज किया है, तो आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपको पिक्चर उसकी फुटेजेस दिखाएं। असल में बात यह, देखिए ना, हमने पाकिस्तान में हमने खैर पहले भी इस पर बात की है, उसको बड़ा जरूरी है, और ये हम सिर्फ फौज के लिए नहीं बल्कि हमारे अवाम के लिए बड़ा जरूरी है कि वो इस चीज को समझे कि जब हम बात करते हैं ना थर्ड डायमेंशनल हाइब्रिड वॉरफेयर की, तो हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जिसको आप प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कहते हैं, और इंडिया ने वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर सर्जिकल स्ट्राइक 1 से शुरू किया हुआ। उन्होंने कहा जिस तरह वो बाराक ओबामा और उन्हें वो मिलके बैठे थे ना एक ऑपरेशन रूम में, इस तरह नरेंद्र मोदी जो दहशतगर्द और वो जो अजीत कुमार डेविल जो उनका इब्लीस है वो और बाकी वो भी इस तरह करके बैठ जाएंगे, एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाएंगे विदाउट नोइंग कि सर्जिकल स्ट्राइक्स की एथिक्स क्या है। मतलब ये फिल्मों में ही अच्छी लगती है। नहीं, प्रैक्टिकली अगर आपने करनी है तो सबसे पहले आपने जहाँ पे आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं उस मुल्क की ग्राउंड फ्रंटियर्स को आपने इन्फिल्ट्रेट करना है, टारगेट के पीछे जाके बैठना है, टारगेट को इल्यूमिनेट करना है, हेलीकॉप्टर से जाना है, उन्होंने फोर्सेज को ड्रॉप करना है, उन फोर्सेज ने ऑपरेशन करना है, द टारगेट हैज टू बी अबाउट 5 to 10 kilometers इनसाइड द एनिमी टेरिटरी, फिर उन्होंने ऑपरेशन, फिर आपने उसको एक्सट्रिकेट करना है। अब आप एयरफोर्स के हिसाब से जब देखेंगे तो सर को पता है कि अगर जहाज जो है वो उसको रात को ग्राउंड टारगेट तो नजर नहीं आ रहा होता, उसको या रडार ने गार्ड करना है या किसी पाथ फाइंडर ने उस टारगेट को इल्यूमिनेट करना है। जो जब अमेरिकन ने आए थे ना अपना ये वो हमला यूनिट फोर्सेज आई थी अफगानिस्तान में, तो सबसे पहले 6 पाथ फाइंडर्स की टीम आई थी जिन्होंने तोरा बोरा के इर्द गिर्द पोजिशन ली थी, उन्होंने वहां पे को कोऑर्डिनेट्स वर्कआउट किए थे। अब ये तमाम चीज़ें इंडिया अगर ये समझता है कि हर इंसान बेवकूफ़ बैठा हुआ है और वो अपनी इस किस्म की स्टूपिड, मुझे तो समझ नहीं आता, आप भी एंकर हैं, आप एक स्कूल में गई, ट्रेनिंग हुई, आपके माँ बाप ने, मुझे लगता है कि ये इंडियन एंकर और इंडियन जो एनालिस्ट है ना, इनकी जब ये पैदा होते हैं तो इनकी माँ इनको झूठ की कौन सी घुट्टी पिलाती है। आई विल हैव टू फाइंड इट आउट।
या ये जब स्कूल में जाते या जब ये स्कूलों में जाते हैं इनके टीचर कौन से वो थीसिस पढ़ाते हैं जिससे ये झूठ बोलना सीखते हैं, जिसका मतलब है हाउ टू टेल लाइज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, या जब इनके ये जर्नैल और ये फौजी जाते हैं तो आई एम में इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, फैब्रिकेशन, मुझे नहीं समझ आता कि बेसिक एथिक्स जो होते हैं ना, अब आप हमसे बात कर रही हैं, यू आर इन अ लो टोन, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर आप, मैं क्योंकि मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो फिर मुझे उन्हें गाली देनी पड़ती है, बिकॉज दे क्रॉस द लिमिट ऑफ दैट वॉइस लेवल, तो यू आर नॉट देयर फॉर द बुलिंग, आप तो एक इंटरव्यू दे, तो ये जो इंडियन मीडिया, और वो क्यों है, कल तो सर, वो इसलिए है, सन्नाटा छाया उनके मीडिया पर 10:20 पर ये वाक्या, उसके बाद पहले तो उन्होंने अपना पायलट ओन ही नहीं किया, उन्होंने कहा जनाब एक पायलट है वो जहाज लेके निकला था, वो लगता है वो बॉम्बे में गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, वापस नहीं आया, उबर चला रहा था तो उसको समझ नहीं आई, घूम गया इनका जहाज, उबर चल रही थी इनकी, तो वो बात ये कि हमने इस चीज को जो है वो लोगों ने यहाँ रियलाइज कर रहा है कि इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा आपने नहीं, उनका जो बेसिक मकसद था वो ये था, जो उनकी इंडियन एयरफोर्स को उन जहाजों को जो टारगेट दिया गया होगा, मैं जो इमेजिन करता हूँ, एक और क्रॉस इनटू पाकिस्तान, क्योंकि आप मिशन तो देते हैं ना, सर को पता है क्रॉस इनटू पाकिस्तान टेरिटरी, ठीक है ना, टेक अ लूप एंड अ मनूवर ऑफ 5 to 6 नॉटिकल माइल, स्टे शॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट विद पाकिस्तान एयरफोर्स, ड्रॉप योर म्यूनिशन एंड कम बैक टू इंडिया। तो वो जब ये गया है उसने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्क्रैम्बल किया है, जिस जो एयरफोर्स है, क्योंकि हमारे जो रडार मुजफ्फराबाद के 4-5 रडार लगे हुए हैं, उन्होंने उसको कैच किया, जब उन्होंने स्क्रैम्बल किया तो उसने कहा अब तो वापस जाना, तो वो उसने जेटेसन किया अपना, जो वो उसने पेलोड था वो ड्रॉप कर दिया। अब वहां पे जहां पे उसने किया, वो जिस आर्टिकल का हवाला मैं दे रहा हूँ वो लिखता है कि जी मैंने वहां से चेक किया तो वहां पे इंडिया ने एक चंद दरख्तों को और कुछ पत्तों को नुकसान पहुंचाया। उनका मकसद ही ये था कि मूजी बहुत बड़ा दहशत गर्द नहीं, बहुत बड़ा झूठों का एक चैंपियन है, पता नहीं उसने अपनी माँ को नहीं ओन किया, उसने अपनी बीवी को नहीं ओन किया, 8 साल की उम्र उसने आरएसएस ज्वाइन की, सारी उम्र उसने दहशतगर्दी प्रीत की, वो उनका प्रीचक रहा, यानी आरएसएस पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एंटी इंडिया ओथ लेती हो, आरएसएस एक पार्टी है इंडिया में, उसका प्रीचक जब अपने शाखा से पास आउट होता है या वो कहता है कि अब मेरी परफॉर्मेंस को उस वक्त उस तरह जज करें जब नऊज़ु बिल्ला मैं पाकिस्तान के 40 टुकड़े ना कर दूं तो मैं अच्छा, ये उनका ओथ है। आप पाकिस्तान में लोगों को समझना है कि वहाँ पे लोग कौन है, बैठकर उस ओथ का पर्सू उसको पर, तो इस किस्म की वो प्रोपेगेंडा उसने करना था, वो प्रोपेगेंडा उसने, और वो जब राजस्थान में तकरीर कर रहा था जहाँ उसका एक वो टिपिकल मदारियों वाला और बंदरों वाला वो उसका एटीट्यूड था ना, बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों, तो वो वहां उसने किया कि बहनों और भाइयों, तो ये बहनों और भाइयों को पता चल गया अभी, और कल अगर जंग होगी, कल अगर जंग हुई तो इंडिया को रियलाइज करना चाहिए, बहनों और भाइयों को बहुत पता चलेगा, हमारे यहाँ भी पता चलेगा, उधर भी पता लगेगा, ठीक हो गया सर। साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत होता है, आप चूंकि एयरफोर्स मास्टर रहे आपको पता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो स्टाफ फाइटर जो आप बता रहे थे उसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर आपने उस टाइम पर बिल्ड किया था, जिसकी वजह से बहुत एक इम्पैक्ट आता है। यकीनन यकीनन, मैं बल्कि जो गजनफर साहब कह रहे हैं ना, आई एग्री विद हिम, इंडियन टैक्टिक्स पहले भी ये थे कि बॉर्डर को 4-5 मील क्रॉस करो, हमें स्क्रैम्बल करवाओ ताकि हमारी एनर्जी ज़ाया हो। इस दफ़ा वही टैक्टिक्स उन्होंने करने की कोशिश की, बट दे डिडंट रियलाइज दैट वी हैड कॉम्बैट एयर पेट्रोल, हमें सरगोधा से नहीं जाना पड़ा, हमारे पायलट्स मौजूद थे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, एंड नाउ द टैक्टिक्स हैव चेंज्ड सो दे कुड इंटरसेप्ट दीस, जो कि पहले करना मुश्किल था कि 100 मील दूर जाके इंटरसेप्ट करना। सो दैट्स अ ग्रेट लेसन फॉर देम एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सर लेसन उनके लिए जिनके अंदर अकल हो, मूजी तो अकल से पालेगा, मदारी है सर, वो बंदर है, उस बंदर को तो पता ही कुछ नहीं कि अकल किस चीज का नाम, अगर अकल हो तो वो क्या अपने लोगों को जंग की भट्टी में धकोले। आजकल जंग बड़ी खतरनाक और खौफनाक होती है। आई एम द वन पर्सन हु डू नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। आप सर कन्वेंशनल वेपन को ही अगर इस्तेमाल करें, कन्वेंशनल वेपर से अगर जंग हो जाए पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर, जिसमें आप मशीन गन इस्तेमाल करें, आप फील्ड गन इस्तेमाल करें, आप हैवी गन इस्तेमाल करें, आप मीडियम गन इस्तेमाल करें, आप ATGM इस्तेमाल करें, इंडियन बोफर्स इस्तेमाल करेंगे, इंडियन अपना हम टैंक इस्तेमाल करेंगे, उनका उनकी लड़ाई होगी। ये कन्वेंशनल वेपन है जिनके साथ ये बाद, इनसे आप देखिए कितनी तबाही होगी, लोग मरेंगे बॉर्डर एरिया में, मरेंगे डीप, एयरफोर्स जाएगी अपनी अपना फौज को सपोर्ट करेगी, वो जाके टारगेट एंगेज करेगी, अवंतीपुरा एयरफील्ड पे जाएगी, श्रीनगर एयरफील्ड पे जाएगी, आप बडगाम जाएंगे, तो इन तमाम इलाकों में हमारी कंपल्शन पाकिस्तान की ये है
कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस फायर नहीं कर सकते, जो हम फौज में थे और हमारे पर फायर आता था, हम कोशिश ये करते थे कि जो इंडियन मिलिट्री पोस्ट हैं हम उनको हिट करें, क्योंकि अक्रॉस 10 किलोमीटर्स के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल में 10 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें सारे मुसलमान गांव हैं, मुसलमान रह रहे हैं। तो बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर अकलमंद लीडर, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो स्पीच की है इतनी आर्टिकुलेटेड और स्टेटमेंट की, उन्होंने कहा जी हम नहीं चाहते, वी डोंट वॉन्ट टू इनिशिएट वॉर, बट इफ यू कम वी विल रिटेलिएट। कल भी उन्होंने कहा कि जी बस यहाँ यहाँ खत्म, हमारा को मकसद कैजुअलिटीज करना नहीं था, हमारा फोकस ये था कि हम जवाब दे सकें। और आज दुनिया ये कह रही है कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं, दुनिया के जो अमन के असूल हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से इम्पोज किए गए, जो यूनाइटेड नेशंस का अमन का चार्टर है, पाकिस्तान उस अमन के चार्टर में रह के इस टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसी यूएनओ के उसी जेनिवा कन्वेंशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क की सरहद क्रॉस करे तो आप लीगली बाउंड होते हैं रिटेलिएट करने के अपने सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट। और पाकिस्तान ने नॉन मिलिट्री टारगेट हिट करके, और क्योंकि उनके जहाजों ने क्रॉस ओवर किया था तो उन्हीं जहाजों को टारगेट बना के पाकिस्तान ने अपना राइट इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने कोई इनिशिएशन ऑफ हॉस्टिलिटीज नहीं किया। अब दी बेटर सेंस शुड प्रिवेल। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी चीज है, समझने की जरूरत है, पता नहीं हम इंडियंस या अमेरिकन नहीं समझ रहे कि अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस चला हुआ। अच्छा सर सॉरी, मैं इस बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।